नमस्कार, मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरार का गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में EFM पेपर प्रथम यूनिट संख्या सेकेंड में राजस्थान में पंचायती राज की उपलब्धियाँ और कमियां तथा सुझावों के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान में पंचायती राज की कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, उपलब्धियों से पहले पूर्व के व्याख्यान में हम राजस्थान में पंचायती राज का आपने अध्ययन किया कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। राजस्थान देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने के लिए एक अग्रणी राज्य रहा है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 243G व पंचायती राज अधिनियम 1953 व 94 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज अधिनियम 1996 में लागू भी किए गए। इस प्रकार पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद प्रमुख है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हैं। इस प्रकार पंचायती राज विभाग एवं उनके संस्थान के अनेक कार्य हैं, जैसे कि पूर्व के व्याख्यान में हमने अध्ययन किया। आगे हम बात करें पंचायती राज का आलोचनात्मक मूल्यांकन। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज की शुरुआत को एक ऐतिहासिक घटना माना गया है। पंचायती राज संस्थाओं से अधिक प्रशंसा बहुत ही कम संस्थाओं को प्राप्त हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं पंचायती राज के प्रति आशान्वित हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ मौलिक एवं क्रांतिकारी हैं। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जन हिस्सेदारी में वृद्धि करके गाँवों में जागरूकता उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार पंचायती राज की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। अचीवमेंट ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज की उपलब्धियों में सर्वप्रथम है समझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पंचायती राज संस्थाओं से गाँव के राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में भी समझ का विकास हुआ है, जिसके कारण ग्रामवासी इन संस्थाओं में सक्रिय रूप से सहभागिता के लिए आकर्षित हुए हैं। दूसरा है अधिकारों के प्रति चेतना। अवेकिंग फॉर राइट्स अधिकारों के प्रति भी चेतना का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तीसरा, गाँवों में भौतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ विलेज। गाँवों में भौतिक विकास भी पंचायती राज की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें परिवहन, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाएँ सम्मिलित हैं। फोर्थ है शिक्षा, एजुकेशन। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत ने साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ाया, बल्कि गाँव के व्यक्तियों के विचारों व मूल्य में परिवर्तन के लिए भी कार्य किया है। पांचवा है सामाजिक बुराइयों का समापन। सामाजिक बुराइयों का समापन भी पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण है, जिसमें छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला अत्याचार आदि सामाजिक समस्याएँ हैं, जिनका शीघ्र समाधान करने का कार्य भी किया है। इस प्रकार राजस्थान में पंचायती राज का उपलब्धियों में समझ का विकास, अधिकारों के प्रति चेतना, गाँव के भौतिक विकास, शिक्षा और सामाजिक बुराइयों और भी अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं, जिसमें जातिगत, धर्मगत और अन्य प्रकार के हित स्थानीय दबाव समूह के रूप में प्रकट होने लगे हैं। दबाव समूह की राजनीति अब नगरों की बबोती नहीं रह गई है, क्योंकि ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों एवं उत्तरदायों के विषय में नई जानकारी मिली है।
पंचायती राज की नई नई मांगों को जन्म देकर गाँव को आगे बढ़ा रखा है और गाँव वालों का आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई है और इसमें स्थिति सुधारने के लिए भाग्य भरोसे में न बैठकर कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति भी पनपी है। इस प्रकार पंचायती राज एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आया है कि ग्रामीणों के मस्तिष्क अधिकारियों के भय के रूप में कार्य करता है, भय जाता रहा है और इस प्रकार पंचायती राज ग्रामीणों के मस्तिष्क से अधिकारियों का भय जाता रहा है और अंग्रेजी शासन युग में ग्रामीण नौकरशाही की शक्ति को आतंकित थे और अब ग्रामीण जन प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर भी विश्वास के साथ उनसे अपनी समस्याओं पर बातचीत भी कर सकते हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास की उपलब्धियों में यह महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें ग्रामीण विकास की समस्याएं एवं विफलताएं। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण जनता में नई आशा और विश्वास पैदा करने में असफल रही हैं, क्योंकि जब तक ग्रामीणों की चेतना नहीं आती हैं या ग्रामीणों में चेतना जागृति नहीं हो पाती हैं तो ये संस्थाएं सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार V.R. कृष्णन ने भी कहा है कि इस समय जहां तक कभी भी ग्राम पंचायतें हैं उसकी हालत दयनीय है। वे सत्ता विहीन सत्ता की हलचल में बिल्कुल कुछ नहीं है। वहां कोई विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक नहीं है और नौकरशाह उन्माद में डूबे तुच्छ खुशामदी चुने हुए सदस्यों पर हुक्म चलाते हैं। राज्य सरकारें अपने राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर कानूनी आड़ लेकर पंचायतों को भंग कर देती हैं। इस प्रकार डॉक्टर S.M. शाह ने भी कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने का मौन विरोध किया जाता है। यह विरोध मुख्य रूप से दो पक्षों में किया जाता है, नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व। सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि पंचायती राज संस्थाएँ उनके सभी अधिकार लेती हैं। राजनीतिक नेता पंचायती राज संस्थाओं को भावी नेताओं का प्रशिक्षण स्थल समझने के स्थान पर अपना प्रतिद्वंद्वी समझते हैं। यह सब सत्ता की राजनीति है। कोई भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। पंचायती राज संस्थाओं और नौकरशाहों राजनीतिज्ञों के बीच सहयोग संघर्ष नहीं है। इस प्रकार हमारे देश में संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि कर्मचारियाँ उपलब्ध नहीं किए कराए गए हैं और इनका नतीजा ये हुआ कि यह संस्थाएं असमय ही समाप्त हो गई हैं। ये अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर सकी और न आगे बढ़ सकी। वह अपनी छाप नहीं छोड़ सकी। वे दुर्लभ कमज़ोर रहीं और कुपोषित से पीड़ित रही। अतः इस प्रकार श्री C.V. नरसिम्ह ने भी ये कहा है कि पंचायती राज की संस्थाएँ पक्षाघात की स्थिति को पहुँच गई हैं। उन्हें स्वशासन की जन संस्थाएँ कहना लोकतंत्र के पूरे ढांचे का मजाक उड़ाना होगा। पंचायती राज का आज नामात्र ही अस्तित्व है और यह भी कागज़ पर और एक चंद लोगों की ज़ुबान पर, जिन्होंने कई वर्षों तक सफलता के लिए भी संघर्ष किया। इस प्रकार पंचायती राज की समस्याओं में पहला है संवैधानिक प्रावधान का अभाव, लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। दूसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर। तीसरा विशिष्ट वर्ग को ही लाभ, एडवांटेज टू द स्पेसिफिक क्लास। फोर्थ सामाजिक पिछड़ापन, सोशल बैकग्राउंडनेस। पाँचवा है दलगत राजनीति, पॉर्टी पॉलिटिक्स। छठा है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेवन है अशिक्षा व निर्धनता की समस्या। अगला प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेचर एंड पॉवर्टी, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम, सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। नवा है प्रशासनिक तंत्र का अभाव, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई, जिसमें मैंने आपको पहले बताया संवैधानिक प्रावधान का अभाव। देश के स्वतंत्र होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम शुरू कर दिए गए, लेकिन ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान में विफल रही हैं। इसका कारण ये रहा कि इन संस्थाओं के ढांचे और उनकी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं था। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाएँ राज्य सरकारों उनके नौकरशाही तंत्र की दया पर निर्भर रही हैं।
नौकरशाही संस्थाएं हमेशा ग्रामीण संस्थाओं के अधिकारों को छीनने के लिए तत्पर है। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव पंचायती राज की दूसरी समस्या। विफलता इन संस्थाओं के साथ अधिकारों को बांटने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है, क्योंकि भारत में राजनीतिक दल पंचायती राज संस्थाओं तक सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। व्यवहारिक रूप से, गंभीर रूप से ऐसा विचार विमर्श नहीं हुआ है जिसे राजनीतिक दलों की सत्ता विकेंद्रीकरण की इच्छा का परिचय मिल सके। अगला, विशिष्ट वर्ग को ही लाभ मिला है। पंचायती राज संस्थाओं उन्हीं कार्यों को करने में रुचि लेती हैं जिनके लिए सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाता है। उस अनुदान का लाभ गाँव के प्रभावशाली और समृद्ध लोगों ने ही उठाया है। अतः पंचायतें एक वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति करने तक ही सीमित रही हैं। इसे वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। अगला है सामाजिक पिछड़ापन, सोशल बैकवर्डनेस। ग्रामीण लोगों का सामाजिक पिछड़ापन भी इन संस्थाओं की एक समस्या है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के सामंती प्रवृत्तियों का विद्यमान है। सुख सुदखोरी, जातियों और संप्रदाय टकराव, सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावहीन रहने के लिए सहायक हुआ है। अगला, दलगत राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स भी एक महत्वपूर्ण है। पंचायती राज की सफलता का मार्ग सबसे पहले बड़ी बाधा दलगत राजनीति है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाएँ राजनीति के अखाड़े से बनती जा रही हैं। पंचायतों में छोटी छोटी बातों से लेकर झगड़े हुआ करते हैं, दलबंदी होती है और थोड़ा सा समय लड़ने झगड़ने से निकल जाता है। यदि हमारे राजनीतिक दल चुनावों पंचायत चुनावों के हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो पंचायत की गंदी राजनीति से को निकाला जा सकता है। आर्थिक, अगला है आर्थिक समस्या। पंचायती राज संस्थाओं में आर्थिक समस्याएं संस्थाओं के सामने शुरू हो रही हैं। इन संस्थाओं का स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए ही नहीं या फिर जो दिए हैं वो अर्थ शून्य है, क्योंकि राजकीय अनुदानों द्वारा ही जीवित करना पड़ा है। अतः आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। अगला है अशिक्षा और निर्धनता की समस्या। अशिक्षा और निर्धनता की समस्या भी एक महत्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम में भी पंचायती राज, इस प्रकार अशिक्षा और निर्धनता की समस्या भी पंचायती राज में एक महत्वपूर्ण है। अगला है, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम भी सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाए हैं और पंचायती राज में प्रशासनिक तंत्र का भी अभाव रहा है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिसके वजह से पंचायती राज संस्थाएं सफल नहीं हो पाई। अब इसके सुझाव हेतु सुझाव हैं, पंचायती राज की सफलता हेतु सुझाव, कि देश का विकास तभी संभव होगा जब उसकी आत्मा में गांवों की प्रगति हो। गांवों का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है। पंचायतों की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। जैसा कि संवैधानिक प्रावधान है उसको कठोरता से लागू किया जाए। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त किया जाए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए। पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधित्वों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए और इस प्रकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए। पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधित्वों और प्रशिक्षण दिया जाए और राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मनमाने ढंग से भंग करने का अधिकार पर कानूनी प्रावधान के द्वारा अंकुश लगाया जाना चाहिए। इन संस्थाओं को भंग करने पर चुनाव की अधिकतम 6 माह की अवधि में किए जाने चाहिए। जिससे प्रसन्नता यह है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई, भंग की गई पंचायतों का चुनाव अधिकतम 6 माह की अवधि में अवश्य करा लिए जाने चाहिए। इस प्रकार पंचायती राज के प्रति राज्य सरकार और अधिकारियों एवं उदासीन होने के लिए घातक होगा, क्योंकि राज्य सरकारों के तकनीकी अभिकरणों तथा जिला अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं को मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए कि जिला अधिकारियों को इन विकेंद्रीकृत एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं के मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें जनता को अधिकतम पहल करने का मौका देना चाहिए, शिक्षकों का कार्य करना चाहिए और अधिकारियों को अहंकार व उच्चता की खोखली धारणाओं से त्याग करना चाहिए। नौकरशाहों की पुरानी उच्चता वाली प्रवृत्ति से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में मुख्यतया उपलब्धियाँ और विफलताएं रहीं और इनके सुझाव हेतु सुझाव
पंचायती राज की सफलता हेतु सुझाव हमने विचार किए। आगे हम इसी क्रम में पंचायती राज संस्थाओं के अलावा यूनिट संख्या 3 में अध्ययन करेंगे। कृषि क्या है, कृषि का क्या महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।